आम खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने का तीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आम खबर आपको दे रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी तहसीन से। जी तहसीन, क्या तफसीलात हैं? मुजफ्फरगढ़ 1978 में जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला 40 से ज्यादा चोरी डकैती के मुकदमा में मुलव्वस मुबीना डाकू थाना सीतपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस जब इसकी निशानदेही पर नाजायज असला बरामद कर वापस थाना की तरफ रवाना हुई तो रास्ते में नामालूम मुलजमान ने अचानक 15 मोटरसाइकिलों पर आकर अंधाधुंध पुलिस पर फायर कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से डाकू अलर्ट था शदीद जख्मी हो गया, जिसको मकामी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जख्मियों की ताब न लाते हुए डाकू अस्पताल में हलाक हो गया। डाकू पर जिला मुजफ्फरगढ़, रहीमयार खां, राजमपुर और फाजलपुर और जिला मुजफ्फरगढ़ में 40 से ज्यादा मुकदमा दर्ज थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तहसीन, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम